जेठालाल अपने लिए शादी के लिए रिश्ता ढूंढने के लिए निकलता है। जैसे ही वो अपने घर से बाहर निकलता है तभी उसके सामने तीन लड़कियां आ जाती हैं और वो तीनों लड़कियां जेठालाल से पूछने लगती है, आप कहाँ जा रहे हो? तो जेठालाल कहता है, मैं तो मैरिज ब्यूरो जा रहा हूँ अपने लिए रिश्ता ढूंढने के लिए। तभी वो तीनों कहते हैं, आपको कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप हमसे शादी कर लीजिए। तो जेठालाल कहता है, मैं किसी एक के साथ शादी कर सकता हूँ, तीन के साथ नहीं। तो दोस्तों जेठालाल उन तीनों को अच्छे से देखता है और किसी एक से शादी कर लेता है। क्या दोस्तों आप बता सकते हो जेठालाल किस से शादी करेगा? दोस्तों आप अच्छे से देखिए और अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इस पहेली का एकदम सही आंसर। जेठालाल दया से बिल्कुल भी शादी नहीं कर सकता है क्योंकि उसकी शादी पहले से हो चुकी है। क्योंकि अगर आप उनकी मांग को अच्छे से देखोगे कि उसके मांग में सिंदूर भर रखी है, अगर आप सोनू को देखोगे कि सोनू ने अपने गले में मंगलसूत्र पहन रखा है, इसका मतलब वो भी शादीशुदा हुई। बची कौन? बबीता जी। इसका मतलब जेठालाल बबीता जी से ही शादी करेगा। क्या दोस्तों आपका भी यही आंसर था? तो इस बात पर वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। और हाँ, अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल पहेली किंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और हाँ, अगर आप और वीडियोज भी देखना चाहते हैं तो आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ रहे इन वीडियोज को भी एक बार से ज़रूर देखिएगा। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे इसकी नेक्स्ट वीडियो में।